नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वह है कि हमारे राजनेताओं ने अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य भारतीयों का उत्पीड़न करना था, जिनका उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था, जहां प्रक्रिया में लोगों को फंसा के रखकर उन्हें न्याय से वंचित करना था। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने वह सब नियम कानून आज हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। सुधार के नाम पर जो लाटसाबी व्यवस्था है उसको और अधिक अधिकार दे दिए हैं। अब समय आ गया है कि हम इसमें बदलाव करें। हमारे राजनेता स्वयं अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वह अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित और अपराधियों को टिकट देते हैं। छद्म तरीके से धन को लुटाते हुए एक आभा मंडल क्रिएट करके वह जीतते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अभी एक ही रैली की बात हो रही थी, जिसमें हरियाणा से, पंजाब से लोगों को इकट्ठा करके राजस्थान में लाया गया। ये कितना लज्जा का विषय है कि हम जो है लोगों को भ्रम में रख के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। हम उनको 500 रुपए देते हैं, आने जाने का खर्च देते हैं, घुमाने का लालच देते हैं। जो रैलियां निकलती हैं उसमें 500 और 1000 मजदूर झंडे लेके निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि यह धन का अपव्यय है और धन का शो है, और एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि ये राजनेता बड़े पॉपुलर हैं और ये जीतने वाले हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को भी काफी कुछ इन्होंने कब्जे में कर लिया है। पहले सोशल मीडिया लोगों को एक सही रास्ता दिखा देते थे, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने इन सोशल मीडिया के जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी व्यूअरशिप पाली है, उन्हें भी अपने चुंगल में ले आए हैं, अपने पे रोल में आए हैं। लिहाजा बहुत सारे सोशल मीडिया अब पॉलिटिकल लाइन को टो करते हुए दिखाई देते हैं। ये करोड़ों रुपए खर्च करके सर्वे कराते हैं, और जो सर्वे होता है वो फर्जी होता है। आम सभाएं, पेड सभाएं हैं, फ्री भी दारू और साड़ी के नाम पर यह एन केन प्रकार जनता को मूर्ख बनाकर वोट कवारते हैं, और जो हमारे वोट के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं। लिहाजा पार्टी भप से बंधे हुए यह लोग क्या डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं? जब ये जिनके द्वारा चुने गए हैं उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? इन राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत फंडामेंटल राइट को तोड़ते हुए, जहां पर हमें मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट यह संरक्षण देता है कि भारत के कोई भी नागरिक जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने हमें इसी नाम पर जो है डिस्क्रिमिनेट किया है। लिहाजा अब समय आ गया है कि इन राजनेताओं को पराजित किया जाए। मैं सभी छोटी पार्टियों से, सभी निर्दलियों से,
जो स्वच्छ छवि के हैं उन्हें मैं चाहता हूं वो क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 9425606040 पर कॉल करें और क्राइम फ्री भारत मिशन की 21 लक्ष्य जिसके माध्यम से यह देश बदलने वाला है उसके प्रति यदि वो समर्पण करते हैं तो क्राइम फ्री भारत अपने मॉडल के तहत उनका प्रचार में भी साथ देगा। और जो ढेर सारे चंद्रगुप्त और सदस्य हैं वह उनकी प्रचार के लिए निकल पड़ेंगे। लिहाजा यह वीडियो स्पेशली हम उन छोटे दलों के लिए, उन निर्दलियों के लिए है जो कि आज की परिस्थिति में जीतने की स्थिति में नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनको वोट इसलिए नहीं देता है क्योंकि यदि हम वोट दे भी देंगे और ये जीत भी जाएंगे तो हमारा कुछ भला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन पूरे 230 सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों का, और विशेष तौर पर हमें बड़े दलों से भी कोई परहेज नहीं है। यदि वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं तो उनका स्वागत है। लिहाजा निर्दलीय, लघु दलीय लोग जो है इनको एक शपथ जो है दी गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा यह वीडियो सभी जो है दलों के पास, सभी निर्दलियों के पास, आप सबसे प्रार्थना है कि इसे पहुंचाएं। जो लोग उन निर्दलियों को जानते हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनसे बात करें। मेरी बात 9425606040 पर कराएं, जिससे क्राइम फ्री भारत उनसे वह शपथ प्राप्त कर सके जिसके द्वारा अपराध मुक्त भारत मिशन इन छोटे दलों को और निर्दलियों को सपोर्ट करेगा, उनके लिए सामग्री जारी करेगा, उनके लिए ब्रोशर जारी करेगा, उसके लिए सदस्यी शपथ का प्रारूप जारी करेगा, उसके लिए चंद्रगुप्ती शपथ का प्रारूप जारी करेगा और प्रत्येक के जो है उम्मीदवार के लिए वीडियो जारी करेगा, जहां उम्मीदवार स्वयं जो है आमंत्रित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त खुद भी पहुंचेंगे और ढेर सारे चंद्रगुप्त और सदस्य भी पहुंचेंगे। जब क्राइम फ्री